हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे लग रहे हैं सुमायरा की आपको वीकली बर्थडे सेलिब्रेशंस? बहुत अच्छे। सुमायरा को तो बहुत मजा आ रहा है, डेली नए नए गिफ्ट्स मिल रहे हैं और इसको अपने रूम में सजाने शुरू कर दिए हैं सुमायरा ने। किसी दिन आपको इसका रूम टूर भी करवाएंगे हम, इंतजार करेंगे। फिर आप देखना कि इसने अपने रूम को क्या बना दिया है। वो रूम नहीं रह गया है हमारा, उसको कुछ और ही बना दिया है इसने। और सुमायरा के बर्थडे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए कैंडीज जो ये मार्केट से लेकर आई थी अपने फ्रेंड्स के लिए, और हमने सोचा कि ये सब अभी से प्रेपरेशन करके रख देते हैं, क्योंकि स्कूल जाते टाइम सुबह सुबह बहुत हफड़ा दफड़ी होती है, समझ में नहीं आता है। कभी इसका हैंकी छूट जाता है, कभी पानी की बोतल छूट जाती है, और अगर ये छूट गए घर पे पैकेट्स तो फिर तो हो गया इसका बर्थडे। और ये बोलती कि अभी से इसको पैक कर देते हैं ताकि जब मैं स्कूल जाऊँ लंच बैग की तरह इसको भी उठाऊँ, बैग में डालूँ और स्कूल में ले जाऊँ। और स्मायरा, इसको ओपन किसने किया? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आपने तो बोला इसको पैक करना है, तो मैंने उसको सीजर से कट कर दिया। खाया तो नहीं? नहीं। नहीं पक्का ना? ठीक है, ये बॉक्स है हमारे पास, इसके अंदर ना स्माइला जेम्स के पैकेट्स हैं छोटे छोटे, देखो। या एक काम करते हैं, इनको भी अंदर ही रहने दो, क्योंकि इस पैकेट के अंदर 100 कैंडीज हैं और स्माइला की क्लास में 31 या 32 स्टूडेंट्स हैं, बाकी टीचर्स हैं। 70 टीचर्स तो नहीं होंगी पूरे स्कूल में, लेकिन फिर भी हम कैंडी का पूरा पैकेट इसमें ऐड कर देते हैं। अगर फिर भी स्टाफ मेंबर्स कुछ रह गए तो उनके लिए ये 10-15 तो होंगे ही, एक्स्ट्रा काम आ जाएंगे। ओके, ये बॉक्स तो पूरा भर गया है। और स्मायरा ने डिसाइड किया है कि स्कूल में ये कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और जो मेरे फ्रेंड्स घर पे आएंगे उनको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी मंच जो आपने उस दिन देखे थे। ये बॉक्स तो हो गया है रेडी 8 सितंबर के लिए स्कूल के लिए। अब बढ़ते हैं इस कैरी बैग की तरफ, इसमें देखते हैं आज हम क्या क्या लेकर आए हैं जो हमें बर्थडे सेलिब्रेशन में चाहिए। रुको रुको रुको, ये डिस्पोजल प्लेट्स हैं, ये बिग साइज है, ये स्मॉल साइज है, ये भी स्मॉल साइज है। एक पैकेट और होगा बिग का, नहीं है इतना ही होगा शायद ना। देखो ये इसमें दो ही हैं, मुझे लगा ये बड़ा पैकेट था, इसमें ज़्यादा पीसेस थे इसीलिए एक ले लिया था। और ये कुछ बॉक्सेस भी हैं जिसमें हम फूड पैक करते हैं, और ये हम किस पर्पस के लिए लेकर आए हैं वो भी आपको बताएंगे, आज नहीं फिर बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये स्पून हैं छोटे केक के लिए, ये भी स्नैक्स के लिए हैं, और साथ में डिस्पोजल ग्लासेस। ओह माय गॉड, इतना बड़ा, इसमें 100 पीसेस हैं, क्योंकि कम वाला था ही नहीं पैकेट ही, वो बोलते हैं ये कौन सा एक्सपायर हो रहा है, सुमायरा के अगले बर्थडे पे काम आ जाएंगे, खर्चा कम होगा तब। इसीलिए फिर हमने इसी को ही बाय कर लिया। और तो डिस्पोजल आइटम कोई भी नहीं है, बस इतना ही था जो हमें बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन पे चाहिए। और स्मायरा के फ्रेंड्स के लिए हम रिटर्न गिफ्ट्स लेकर आए थे। स्मायरा आपको पता है ना, याद है ना, ये भूल गए, याद है। उन गिफ्ट्स को पैक करने के लिए हम लेकर आए हैं कैरी बैग्स, ये देखो येलो कलर के हैं, मैं आपको पैकेट से निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, फ्लावर्स बने हुए हैं, और इसको ओपन भी कर लेते हैं एक बार, साइज चेक कर लेते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से है, ये प्यारा है ना, अच्छा लगा आपको? और ना एक पैकेट येलो है, एक और भी है, ये देखो पिंक, ये पिंक पैकेट भी एक हम लेकर आए हैं। और स्मायरा चाहती थी कि इसके नेम प्रिंट वाले कैरी बैग्स हम लेकर आए हैं इसके फ्रेंड्स को देने के लिए, लेकिन मार्केट में वो ऐसे तो अवेलेबल नहीं थे, कुछ स्टोर्स थे जो प्रिंट करते थे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उनसे हमने बात की तो वो बोलते कि कम से कम 100 पीसीज अगर आप बाय करते हो तो हम प्रिंट करके दे सकते हैं, 10, 20, 30 इतनी क्वांटिटी हम प्रिंट नहीं करते हैं, इसीलिए फिर हमने सिंपल वाले बाय कर लिए। अब हमारा ये चलेंगे या आपको इसके ऊपर अपना नाम चाहिए? नाम चाहिए, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा ये हमें किसने दिया था? जिसकी बर्थडे पार्टी पे आप गए थे उसी ने दिया था ना? अगर
ये कैरी बैग वो सालों बाद देखे। अब तो अगर नाम लिखा होगा तो वो सालों तक संभाल के रखेंगे इसको। फिर स्माइला का नाम हम लिख दें इसके ऊपर। आप कैसे लिखोगे? लिख देंगे, आप बोलो। अगर आपको लिखवाना है तो हम नाम लिख देते हैं। एक पेन ही तो चलाना है, नाम लिखा जाएगा। मम्मा वैसा नहीं चाहिए मुझे। कैसा चाहिए? यहाँ पर आप नाम लिख दो मेरा, स्माइला। तो फिर और कैसे करूँ बताओ? आपको नाम से मतलब है ना कि आपका नाम लिखा होना चाहिए था। नाम के साथ ठीक है, नाम के साथ कुछ और भी लिखा होगा फिर चलेगा। क्या? वो जब मैं लिखूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। क्या? ठीक है, एक पर एक्सपेरिमेंट करो पहले। एक पर एक्सपेरिमेंट करूं? कौन से कलर पे? पिंक पे करूंगी? नहीं, इस पर नहीं, मैं पिंक पे करूंगी फिर। नहीं, पिंक पे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, पिंक पे करते हैं। ठीक है, और पिंक भी आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये वाला भी सुंदर है ना स्माइला। ऐसा लग रहा है ये फोटो फ्रेम है। हाँ, ये डिजाइन ही ऐसा है। देखो इसमें ना सेम में मुझे डिफरेंट कलर नहीं मिला। ये येलो थोड़ा सा डिफरेंट है, पिंक का डिजाइन डिफरेंट है। चलो इसके ऊपर स्माइला का नाम लिखते हैं। फेविकोल है आपके पास? मेरे पास ना स्माइला एक चीज है। क्या? ये देखो। वाओ स्माइला तो क्यूटी। पीछे से दिख गए आपको? उल्टा पढ़ लिया देखो इसने। ट्रांसपेरेंट पेपर है और इसको समझ में आ गया कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। और थीम यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का थीम है। इसके ऊपर लिखा है स्माइला द क्यूटी। और मैं ना यूनिकॉर्न के ऊपर बैठी हूँ। हाँ, अब हम इस पिक्चर को इसके ऊपर पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है फिर ये कैरी बैग। इसलिए आपने बोला था पिंक। अब बताओ स्माइला कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा। ये देखो YouTube फैमिली, स्माइला के नेम का स्टिकर हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। पहले अच्छा लग रहा था या अब? पहले सॉरी 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 नहीं, अब पहले इसको निकाल देते हैं। नहीं, अब अच्छा लग रहा है। चलो अब सब पे लगा दे फिर। लगा दो। आप पूछोगे नहीं ये स्टिकर कहाँ से आए? हाँ कहाँ से आए? कहाँ से आए आपको बताती हूँ मैं। ये देखो, यहीं पे शीट्स रखी हुई हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। ये देखो, तो आपने इसका प्रिंट आउट निकलवाया है? हाँ, मैंने ये डिजाइन सर्च किया, आपका नेम सर्च किया, थीम सर्च किया, फिर मुझे क्यूट सा पिक्चर मिला जिसमें आपका फेवरेट थीम भी था, आपका नेम भी था और साथ में द क्यूटी भी लिखा हुआ था। फिर मैंने और पापा ने डिसाइड किया कि बेस्ट रहेगा ये, इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर स्माइला बोलेगी कि ऐसा स्टिकर लगा के कैरी बैग्स अच्छे लग रहे हैं तो फिर हम सब पे लगा देंगे। अब बताओ लगाएं फिर? लगा दो। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेते हैं सर्कल शेप में। सारे बैग्स पे हमने स्माइला का नेम टैग लगा दिया है। थैंक यू सो मच मम्मा कि आपने मेरी खुशी के लिए क्या जुगाड़ लगाया। अब मम्मी जो होती है वो बच्चों की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करती हैं, सब कुछ करती हैं ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि कैरी बैग पे मैं स्माइला का नाम कैसे लिखूं। अगर ऐसे पेन से लिखती तो वो अच्छा नहीं लगता, और अगर हल्का सा पानी गिर जाता तो वो फैल जाता और कवर भी खराब हो जाता। और मेरे माइंड में सिर्फ यही आइडिया आया जिसको मैंने फॉलो किया और स्माइला को भी अच्छा लगा और फिर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया उसको। ये देखिए, ये येलो बैग के ऊपर कैसा लग रहा है और पिंक के ऊपर कैसा लग रहा है? पिंक के ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि पिंक के ऊपर पिंक आ गया ना। इसमें मुझे येलो कलर नहीं मिला, नहीं तो मैं येलो प्रिंट आउट ले लेती। बट कोई बात नहीं, आपको नाम से मतलब था ना, कलर से तो नहीं ना। नहीं। अभी स्माइला क्यों ना हम रिटर्न गिफ्ट्स को पैक ही कर दें। कर दो, ये काम भी खत्म होगा क्योंकि बहुत सारे काम हैं अभी पेंडिंग। एक्सचेंज। ये है हमारे पास रिटर्न गिफ्ट का पैकेज। ये है रिटर्न गिफ्ट यूनिकॉर्न थीम का। और इस पैकेट के अंदर क्या क्या है मैंने ऑलरेडी इसको ओपन करके दिखा दिया है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर देखिए। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं इस पैकेट के अंदर और इसको हम पैक करेंगे पिंक कलर के कैरी बैग के अंदर। ये अच्छे से इस पैकेट के अंदर फिट आ गया है रिटर्न गिफ्ट, और ऐसे बच्चे घर ले जाएंगे अपने अपने। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय स्माइला।
हैप्पी बर्थडे। एक गिफ्ट दे जाएंगे, एक गिफ्ट ले जाएंगे। तो गर्ल्स के लिए इस तरह से पैकेट्स बना देते हैं हम। चलो स्माइरा काम पे लग जाओ, इट्स योर बर्थडे, काम हमारा बढ़ गया है। सारे गिफ्ट्स पैक हो चुके हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बैग बने हुए, येलो और पिंक। अगर आप कमेंट्स कर पा रहे हो तो हमें जरूर बताना कि आपको येलो बैग डेकोरेट करने के बाद अच्छा लगा या फिर पिंक अच्छा लगा। और अगर हमारा ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। होप आपको हमारे इस ब्लॉग से आइडिया मिल गया होगा कि बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेशन में उनके फ्रेंड्स को आप किस टाइप के रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। और स्माइरा के बर्थडे के रिलेटेड मैंने एक और आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट बनाया है जो स्माइरा नरूला ऑफिशियल चैनल पर पोस्ट है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो उस व्लॉग को भी ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।